Good morning, everyone. So today we will start with PGBP, right? This is third head of income we are starting. First, we did income from house property. Then we recently we had done income from salaries, right? Salary mein basic pura taxable hota hai. Allowances bhi pura taxable hota hai. Agar aap old tax regime hai, to house rent allowance, children education allowance, children hostel allowance, in sab ka aapko exemptions milega. कुछ कुछ अलाउंसेस ऐसा होता है जो आप ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्चा करते हैं, दोज अलाउंसेस आर एग्जेम्प्टेड अंडर बोथ द रिजाइन. उसके बाद हमने परक्यूजिट्स देखा, राइट? परक्यूजिट्स आर द बेनिफिट्स विच वी प्रोवाइड टू द एम्प्लॉय एंड या तो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर. परक्यूजिट में आप रहने के लिए घर दे दे रहे हैं, अपना घर दे दे रहे हैं या भाड़े पे लेके दे रहे हैं, तो उस हिसाब से परक्यूजिट वैल्यू आएगा. फर्नीचर भी दे रहे हैं, उस हिसाब से परक्यूजिट वैल्यू आएगा, 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट. और अगर भाड़े पे लेके दिए तो रेंट पेड. जो भी परक्यूजिट वैल्यू होगा उसमें से जितना हम इस बेनिफिट के लिए एम्प्लॉय से ले रहे हैं वो माइनस हो जाएगा. इंटरेस्ट फ्री लोन परक्यूजिट वैल्यू, इंटरेस्ट आपके लिए बेनिफिट हो गया. स्वीपर जो कॉस्ट मैं बियर कर रहा हूं बेनिफिट हो गया, राइट? तो काफी सारा परक्यूजिट हम लोग देखा. तो बेसिक अलाउंसेस परक्यूजिट्स, मॉनिटरी पेमेंट्स फुली टैक्सेबल, बोनस कमीशन ये सब. देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हमारा ग्रेच्युटी था, लीव सैलरी था, पेंशन था, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ भी लमसम मिलेगा एग्जेम्प्टेड होता है. अदर एम्प्लॉय में अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल है, वो लमसम वाला एग्जेम्प्टेड होता है. तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर ग्रेच्युटी मिल गया, लीव सैलरी मिल गया, फुल्ली टैक्सेबल है. लमसम मिला गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जेम्प्टेड. अदर एम्प्लॉय में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड. उस तरीके से हमारा ग्रेच्युटी में भी है, ग्रेच्युटी में कवर्ड नॉट कवर्ड. पेंशन में देखना पड़ेगा ग्रेच्युटी मिला है कि नहीं. ग्रेच्युटी मिला है तो 1/3, ग्रेच्युटी नहीं मिला तो ज्यादा एग्जेम्प्शन हो जाएगा, हाफ. लीव सैलरी में भी 4 का लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग है. सब में सैलरी का मीनिंग अलग अलग है. ग्रेच्युटी कवर्ड में बेसिक प्लस डी है, नॉट कवर्ड में बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज वाला. लीव सैलरी में भी सेम सैलरी का मीनिंग है, राइट? इस तरीके से सैलरी का एचआरए में भी यही सैलरी का मीनिंग है, राइट? हाउस रेंट अलाउंस में जो होता है. तो काफी सारा चीज हम लोग सैलरी में देखा. छोटा 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 बहुत सारा बात है उसमें, तो आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, राइट, उस हिसाब से. थर्ड ऑफ हेड ऑफ इनकम है हमारा पीजीबीपी, राइट? PGBP is our third of head of income. Basically, अपन को business income निकालना है यहाँ पे. क्या करना है? हम लोगों को यहाँ पे business income निकालने का है. ना अकाउंट्स में हम लोग ट्रेडिंग पेल बनाते हैं, है ना? बेसिकली रेवेन्यू मतलब सेल्स, राइट? रेवेन्यू मतलब सेल्स हो गया, माइनस एक्सपेंसेस, राइट? सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी. एक्सपेंसेस में दो टाइप का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो 100% डिडक्टिबल है, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका डेप्रिसिएशन इज डिडक्टिबल. तो अल्टीमेटली हम लोगों को नेट प्रॉफिट आता है, राइट? और अगर मैं आपको ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट बताऊं, तो सिंपली यहां पे ओपनिंग स्टॉक
यहां परचेजेस, इधर में सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, राइट right. ना आप सभी को मालूम होगा ये चीज, ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, ये बॉक्स वाला पोर्शन, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग. एनीवे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट. हाँ है ना, अपन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं. अब पीएल में क्या होता है, सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट वगैरह, है ना, प्रोविजन होता है ना. अच्छा, अगर मैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहा हूं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है मेरा, तो इनकम टैक्स भी होता है यहां पे, पर्सनल एक्सपेंस होता है वो. कोई एसेट बेचा हूं तो उसका लॉस ऑन सेल भी होगा यहां पे. इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, और भी वैरायटी ऑफ खर्चा होता है. सारा खर्चा अपने पीएल में डालते हैं, कोई चैरिटी किया है मैंने, डोनेशंस दिया है, राइट. इसके अलावा कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड इनकम, है ना, तब जाके हमारा यहां पे नेट प्रॉफिट आता है. तो सेल्स माइनस सीओजीएस गिव्स मी ग्रॉस प्रॉफिट. सारा खर्चा अपने पीएल का डेबिट में दिखाते हैं, सारा इनकम अदर इनकम इन सबको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इन सबको, दिस इज व्हाट, दिस इज अदर इनकम. हाँ, प्रॉब्लम क्या है, टेक्निकली स्पीकिंग ये जो नेट प्रॉफिट है इस पर टैक्स लगना चाहिए, बस प्रॉब्लम क्या है, इस नेट प्रॉफिट में अगर आप गौर से देखेंगे, यू हैव बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट, you have dividend income, क्योंकि dividend income credit side में लिया, मतलब gross profit में ये सब added है,
You have rental income. You have profit on sale of asset. सर ये वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, ये वाला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और ये वाला कैपिटल गेन्स में जाएगा। चार्जेबिलिटी सेक्शन सबका अलग अलग है ना, चीज को समझ रहा है? तुम्हारे पास ये तुम्हारा पीएल हो गया। हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं ना, हम लोग क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी अदर हेड वाला चीज है ना, अदर हेड वाला, ये जितना भी देखो कमीशन हम इंसिडेंटल आइटम मान रहे हैं, मेरा बिजनेस रिलेटेड है मान रहे हैं। अगर और कोई चीज का कमीशन इनकम मिला है तो बात अलग है, वो भी अदर सोर्सेज में जाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग बिजनेस मतलब क्या, जिसमें हम ट्रेड करते हैं प्लस इंसिडेंटल आइटम्स, तो कमीशन ऑल्सो कम्स अंडर बिजनेस इनकम। हम बात करें इन तीन का, ये तीनों मेरा अदर इनकम है, कमीशन भी अदर इनकम है बट वो बिजनेस रिलेटेड हो गया, इंसिडेंटल टू बिजनेस एक्टिविटी मान रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न बनाते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, पहले खाली बिजनेस इनकम निकालते हैं, इन सबको लेते ही नहीं है, फिर बाद में अलग से एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, उसमें बिजनेस का प्रॉफिट डालते हैं प्लस अदर इनकम डाल के टोटल प्रॉफिट बताते हैं। टेक्निकली वही होना चाहिए कि बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट अलग निकालो, अदर इनकम को बाद में जोड़ के, क्योंकि सब अलग अलग हेड में जाएगा। हम लोगों ने पीएल बनाया, बचपन से आज तक मैम यही सिखाई है, सारा खर्चा को डेबिट साइड में डाल दो, सारा इनकम को क्रेडिट साइड में डाल दो, अल्टीमेटली मेरा नेट प्रॉफिट ऑफ द पर्सन आ गया, नेट प्रॉफिट ऑफ द पर्सन, दिस इज नॉट नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, दिस इज नेट प्रॉफिट ऑफ द पर्सन, बिकॉज इसमें अदर इनकम भी इंक्लूडेड है। तो सर ये नेट प्रॉफिट ऑफ द पर्सन है, उसमें बिजनेस इनकम भी है, डिविडेंड। तो हम लोग को क्या करना है, अपन को बिजनेस इनकम निकालना है, तो हम लोग बैक कैलकुलेशन जाएंगे। क्या करेंगे बैक कैलकुलेशन, व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स, इससे शुरू करेंगे, जो फाइनल फिगर दिया है उसमें से हम लोग लेस कर देंगे इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड, क्योंकि ये सब चीज नेट प्रॉफिट में लिया हुआ है, क्रेडिट माइनस डेबिट करके नेट प्रॉफिट आया ना, तो ये सब चीज हमारा प्रॉफिट में एडेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपन को खाली बिजनेस इनकम निकालना है, तो बिजनेस इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट जो देगा हमको उसमें से जो जो अदर हेड में टैक्सेबल है, ठीक है, जो जो अदर हेड में टैक्सेबल है उसको हम लोग हटा देंगे, रेंटल इनकम दूसरे हेड में जाएगा, है ना? ये भी दूसरे हेड में जाएगा,
अब प्रॉब्लम क्या मालूम है, जब यहां पे अदर इनकम है तो यहां पे अदर हेड्स रिलेटेड एक्सपेंसेस भी है, अदर हेड रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे कि ये लॉस ऑन सेल, जब प्रॉफिट कैपिटल गेन, तो ये लॉस भी कैपिटल गेन वाले हेड में जाना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहां जाता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो जब प्रॉफिट दूसरे हेड का है तो लॉस भी दूसरे हेड में जाना चाहिए। ये नेट प्रॉफिट से लेस किया हुआ तो अपना एडबैक कर देंगे, फर्दर रेंटल इनकम है, तुमने प्रॉपर्टी लोन पे लिया था, हो सकता है ये इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी का हो। अगर बिजनेस का तो प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों ने यहां दिखाया है ये हाउस प्रॉपर्टी का हो, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये अदर हेड रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे म्युनिसिपल टैक्स हो, म्युनिसिपल टैक्स भी हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गया। आया ना, तो जब इनकम इस हेड का नहीं है तो हटा दिया, नेट प्रॉफिट में वो इंक्लूडेड था, तो एक्सपेंस जो इस हेड का नहीं है उसको एड बैक करेंगे। बरोबर है ना। सो नाउ एक सेकंड, आ रहे हैं, रुको ना। एड एक्सपेंस ऑब्लिक लॉस, डिडक्टिबल अंडर अदर हेड, यहां से ऐड हो जाएगा, है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड बैक होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एचपी अगर इससे रिलेटेड इनकम पीजीबीपी नहीं है तो इससे रिलेटेड लॉस भी पीजीबीपी में माइनस नहीं होगा, एक्सपेंस भी पीजीबीपी में माइनस नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट, हाँ ना। तो अभी हमने क्या किया, इसमें से अदर देन बिजनेस इनकम हटा दिया, अदर देन बिजनेस एक्सपेंस हटा दिया, तो जो बचा प्रॉफिट वो बिजनेस प्रॉफिट बचा। अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि हमारे लिए प्रूडेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं तो हम लोग प्रूडेंस फॉलो करते हैं, हम लोग जब अकाउंट्स बनाएंगे तो गौर करिएगा, हम लोग प्रोविजन दिखाया, हम लोगों ने अकाउंट्स बनाया तो हमने प्रोविजन दिखाया, एक्सपेंस बुक किया, फ्यूचर एक्सपेंस। इनकम टैक्स बोलता है नहीं,
I will only consider current year expense. I am not going to consider future expenses. तो any kind of provision is not allowed. उसको अपने बोलते हैं disallowed. क्या बोलेंगे? Disallowed expenses. तो ये वाला profit में minus किया हुआ है, तो again add back करेंगे. यही नहीं, income tax ये भी बोलता है कि हम इनकम टैक्स का खर्चा डिसअलाउ करेंगे. सोल प्रोप्राइटर में तो इनकम टैक्स वैसे भी पर्सनल एक्सपेंस होता है. पर्सनल एक्सपेंस तो बिजनेस का पीएल में आना ही नहीं चाहिए. अगर गलती से आपने ले लिया है तो उसको डिसअलाउड मानेंगे. गलती से अगर आपने ले लिया है तो उसको डिसअलाउड मानेंगे. कंपनी में बिजनेस खर्चा होता है बट पीजीबीपी कैलकुलेशन के लिए डिसअलाउड माना जाएगा. सोल प्रोप्राइटर में तो इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस ही होता है. सोल प्रोप्राइटर में इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है तो वैसे ही पीएल में आना नहीं चाहिए. अगर आपने लिया है तो डिसअलाउड. कंपनी में इनकम टैक्स बिजनेस एक्सपेंस होता है लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ पीजीबीपी इट विल बी डिसअलाउड. फर्दर ये लोग बोलता है कोई चैरिटी डोनेशन नहीं अलाउ करेंगे. सपोज करो मैंने गरीबों को लंगर लगा के खिलवा दिया, मेरा 50,000 रुपया खर्चा हो गया. कोविड में मैंने घर में खाना बनवा के महाराज वहाराज को बुलवा के खाना बंटवाया. बोला इस टाइप का चीज अलाउड नहीं है. आप कर रहे हैं अच्छी बात है बट इसका कोई पक्का सबूत तो नहीं दे सकता ना मैं सरकार को. देखिए फोटो, देखिए फोटो से कुछ नहीं होने वाला. Got my point? तो काफी सारा खर्चा हो सकता है वो बिजनेस रिलेटेड हो बट इनकम टैक्स उसको कंसीडर नहीं करती है. फर्दर इनकम टैक्स ये भी बोलती है डेप्रिसिएशन मैं अपने हिसाब से निकलवाऊंगा, तो ये वाला डेप्रिसिएशन डिसअलाउड हो जाएगा. तो डिसअलाउड का लिस्ट बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है. ये तो मैं चार्ट तो बताया हूं तुमको. मान लो तुमने कोई रिलेटिव को अब काम पे रखा है, उसको तुम 50,000 सैलरी दे रहे हो बट यही काम अगर तुम और किसी को रख के करवाते तो सैलरी वुड हैव बीन 35,000. मैंने एक लैपटॉप खरीदा है, पूरा मार्केट में 40,000 रुपया उसका दाम है लेकिन मैंने सपोज करो किसी रिलेटिव से खरीद लिया, उसको ज्यादा पैसा दे दिया, तो वो जो एक्सेस पेमेंट है ना वो डिसअलाउड हो जाएगा. किसी भी रिलेटिव को जब आप कोई भी एक्सेस पेमेंट करते हैं वो डिसअलाउड हो जाएगा. तो एक्सपेंसेस में ऐसा हो सकता है कोई रिलेटिव हो तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू चेक करेंगे, राइट? तो वो फेयर मार्केट वैल्यू पे हो, अगर रिलेटिव से ट्रांजैक्शन है तो फेयर मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए. एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव डिसअलाउ हो जाएगा. किसी भी खर्चा का पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते. अगर कोई भी खर्चा अगर 10,000 से ज्यादा का है आप कैश में नहीं कर सकते, नहीं तो डिसअलाउ हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे अभी, ये तो हमारा हो गया. अब इसमें हम ऐड करेंगे ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड. ठीक है,
इसको ऐसे लिख लो, एक काम करो थोड़ा बड़ा करके लिख लो, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल डिसअलाउड। बोला पीएल में है बट वो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। कौन कौन सा? डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स। बोला आपका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन है वो अलग है। टैक्स में ब्लॉक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, ग्रुप ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन देते हैं अपन। अकाउंट्स में तो अपने इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं ना, बचपन में याद होगा अगर डेप्रिसिएशन चैप्टर किया होगा, M1, M2, M3, M4, M5 ऐसे करके। बट टैक्स में ग्रुप होता है, ग्रुप के हिसाब से डेप्रिसिएशन होता है। इनकम टैक्स डिस अलाउड, कोई भी तरह का प्रोविजन डिस अलाउड। गलती से अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस पीएल में डेबिट हो गया तो डिसअलाउड। चैरिटी डोनेशंस डिसअलाउड। लिस्ट बड़ा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा लिस्ट है। लेस expenses not debited to PL but allowable, ये वो खर्चा है जो allowable है। जैसे books वाला हम लोग depreciation add back कर दिया तो income tax rules के हिसाब से जो depreciation होगा उसको less कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट डिसअलाउ किया, बैड डेट जो एक्चुअल एक्सपेंस होगा उसको अलाउ कर देंगे। ठीक है, हम लोग प्रोविजन मेथड फॉलो करते हैं तो प्रोविजन मेथड डिसअलाउ होगा, एक्चुअल जो लॉस होगा तो वो अलाउएबल होगा। राइट तो इस तरीके से करने से ये जो आएगा हमारा ये आ जाएगा टैक्सेबल बिजनेस इनकम। ठीक है, तो हम लोगों को पीएल दे देगा, ये वाला पीएल दे देगा। इसमें से जो इनकम पीजीबीपी वाला नहीं है उसको हटा दो, लेस कर दो। जो एक्सपेंस पीजीबीपी वाला नहीं है उसको ऐड बैक कर दो, प्लस उसके बाद पीजीबीपी वाला खर्चा है बट डिस अलाउड है उसको भी ऐड बैक करो, और फिर जो अलग से अलाउएबल है उसको फिर लास्ट में लेस कर देंगे। तो जो इनकम पीजीबीपी वाला नहीं है इसको लेस करके हटा दिया, क्योंकि ये सब नेट प्रॉफिट में एडेड है, ये नेट प्रॉफिट में एडेड है इसीलिए इसको अभी लेस कर रहे हैं। ये नेट प्रॉफिट से सब्ट्रैक्टेड था इसीलिए इसको ऐड कर रहे हैं। राइट, ये सब भी नेट प्रॉफिट से सब्ट्रैक्टेड था इसीलिए इसको ऐड करें, क्योंकि डिसअलाउड है, और ये सब कुछ भी नहीं था, एक्चुअल में लेस हो रहा है। गॉट माय पॉइंट? पिक्चर क्लियर है?
ये क्वेश्चन करेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पीजीबीपी में जनरली ओल्ड टैक्स रिजाइम और नया टैक्स रिजाइम में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का कंप्यूटेशन सेम है। तो ये पहले मैं न्यू टैक्स रिजाइम का बता देता हूं। दिस इज, जैसे मैंने सैलरी में चार्ट दिया था ना, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स, ठीक है। दिस इज डिसअलाउड आइटम्स, मैंने लिस्ट बताया ना, ये सब पीएल में डेबिटेड है, मतलब पीएल में सब्ट्रैक्टेड है, बट इनकम टैक्स बोलता नहीं ये सब खर्चा नहीं माना जाएगा, तो वापस एड बैक करो। गॉट माय पॉइंट? इनकम टैक्स इन सबको खर्चा नहीं मानती, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स को खर्चा नहीं मानती, ये मैंने आपको बता दिया है, मैं सारा भी नहीं पढ़ाऊंगा। इनकम टैक्स को खर्चा नहीं मानती है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेंगे। अच्छा, ये वाला भी बताया, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव, पढ़ो। पेमेंट फॉर गुड सर्विसेज टू रिलेटेड पर्सन, एक्सेस अनरीजनेबल, वो डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में तुमको कंफ्यूज कर देगा, बोलेगा हमने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा है 1 लाख रुपया में रिलेटेड से, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 है, हमने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा है 1 लाख रुपए का, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 है, कितना डिसअलाउड होगा? 0। क्यों बोलो तो? फिक्स्ड एसेट तो पीएल में आता ही नहीं है, अरे भैया खर्चा का बात हो रहा है। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट इज मेड फॉर गुड सर्विसेज फैसिलिटीज टू अ रिलेटेड पर्सन टू द एक्सटेंट द सेम इज एक्सेसिव और इन द ओपिनियन, जो चीज पीएल में आता ही नहीं है उसका एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव क्या चेक करेंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या समझा रहा हूं? हम उसी डिसअलाउड के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, जो पीएल में डेबिटेड है इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल में है, तो इसमें हम चेक करेंगे कोई रिलेटेड पार्टी वाला है। परचेज पीएल में डेबिटेड है तो मैं चेक करूंगा कोई रिलेटेड पार्टी वाला है, एक्सेस पेमेंट है, फिक्स्ड एसेट कहां है यहां? ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने बोला था कोई भी खर्चा 10,000 रुपया इन अ सिंगल डे, मैं तुमको रोज 1,000-1,000 रुपया करके देता हूं, महीने में 30,000 दे दिया, चल जाएगा, डेली का 1,000 ना, एक दिन का लिमिट 10,000 है, कैश में नहीं कर सकते आप, अकाउंट पे ही चेक से कर सकते हैं,
बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस, ये सब चलेगा। अदरवाइज देन, अगर इसके अलावा ये सब चलेगा, कैश बियरर चेक डिसअलाउ हो जाएगा। मैंने मेरा स्टाफ को भेजा एक दिन स्टेशनरी खरीद के ला, 14,000 का बिल बना, वो कैश दे के आ गया। बताओ अलाउड होगा कि डिसअलाउड? स्टेशनरी तो पीएल में आता है, डिसअलाउ हो गया पूरा 14,000, क्योंकि 10,000 के ऊपर आपको अकाउंट पे ही चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड ये सब यूज करना चाहिए था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, राइट? एक बिल का मैं तोड़ तोड़ के दे रहा हूं, सपोज मान लो 18,000 का बिल है, 9,000 करके दो अलग अलग दिन में कैश दिया, चलेगा? या ऐसा दिन पेमेंट किया जिस दिन बैंक बंद है और पेमेंट करना जरूरी था, चल जाएगा? राइट? अच्छा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 43 बी। हम लोग जो पीएल बनाते हैं ये क्या बेसिस पे बनाते हैं, कैश बेसिस पे कि अक्रूअल बेसिस पे? ये जो बनता है हमारा, ये ठीक है, कुछ कुछ खर्चा, मतलब खर्चा का पैसा दिया और नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता, इट इज एन एक्सपेंस। यही तो सैलरी 11 महीने का दिया, सैलरी 11 महीने का दिया मैंने, कितना महीने का दिया? 11 महीने का। पीएल में कितना दिखाऊंगा? 12 महीने का, 12 अलाउएबल है, अलाउएबल है, एक्रुअल बेसिस ना। कुछ कुछ खर्चा ऐसा मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, जैसे इंटरेस्ट, ड्यू बट नॉट पेड, डिसअलाउ हो जाएगा, वहां एक्रुअल बेसिस फॉलो नहीं होगा। कुछ कुछ खर्चा ऐसा है जिसपे अपन को पेमेंट बेसिस फॉलो करना पड़ेगा, मतलब अलाउड तभी होगा अगर हमने पैसा दे दिया है। तो 7-8 आइटम्स हैं, राइट? दैट इज ओनली अलाउड इफ इट इज पेड। नाउ पेमेंट का ड्यू डेट इज स्टिल रिटर्न फाइलिंग डेट, मतलब इस साल का मार्च तक नहीं, आप असेसमेंट ईयर का जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपका नॉन ऑडिट केस है तो, और आपका ऑडिट केस है तो 31 अक्टूबर, क्योंकि जिसका अकाउंट ऑडिट होता है उनका रिटर्न फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर है उस केस में, राइट? सो यहां क्या लिखा है, सर्टेन आइटम्स अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस। यहां पे नो अक्रूअल, कुछ कुछ आइटम के केस में नो अक्रूअल बेसिस, ठीक है? आप रिटर्न फाइलिंग डेट तक पैसा दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो डिसअलाउड हो जाएगा। आपने पेमेंट नहीं किया इसलिए डिसअलाउ हो गया।
ठीक है, दिस वी विल टेक लेटर ऑन. अभी मैंने बोला पर्सनल एक्सपेंस डिस अलाउड होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में नहीं आता, उसका डेप्रिसिएशन आता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा ही डिसअलाउ है. कोई भी रिपेयर जो कैपिटल नेचर का वो भी डिसअलाउड हो जाएगा. हाँ, इसके बारे में बात कर लेंगे, इसके बारे में भी बात कर लेंगे. कोई भी लॉ को वायलेट करेंगे डिसअलाउड, उसके कारण फाइन पेनल्टी लगेगा, दैट इज डिसअलाउड. सपोज करो मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमसे 100 किलो चावल खरीदूंगा 50 रुपये में, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो गया? 50,000 रुपए का. मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमसे 100 किलो चावल खरीदूंगा 50 रुपए में, मेरा चावल का धंधा है. ड्यू डेट वाले दिन तुम डिलीवरी लेके आया, मैंने मना कर दिया, मैं बोला मैं डिलीवरी नहीं लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच करता हूं, तो तुम क्या बोलेगा? आई नीड कॉम्पेंसेशन, पेनल्टी दो, फाइन दो. तो उस समय चावल का दाम 45 हो गया. मतलब अब अगर तुम किसी को बेच पाएगा तो तुमको 45 मिलेगा. अब अगर तुम किसी को बेचा तो तुमको कितना मिलेगा? तो तुमको 5 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है सीधा, स्ट्रेट अवे 5 रुपीज का लॉस है ना. तुम मेरे से 50 में कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन उस समय रेट हो गया 45. आई एम रिफ्यूजिंग टू टेक द डिलीवरी, सो इफ आई डोंट टेक द डिलीवरी यू विल सेल दिस एट 45. कहां 50 में बिकता, कहां 45 में बेच रहे हो. 5 रुपए का लॉस हो गया ना तुमको. कितना किलो का कॉन्ट्रैक्ट? 100 किलो, तो 500 रुपीज का यू हैव अ लॉस. सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5,000 था, गलती बोल दिया, 100 × 50, 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था, तुम 45 में अब उसको बेच पाओगे, तो 5 रुपया × 100, 500 का लॉस है तुमको, तो तुम वो 500 कॉम्पेंसेशन मेरे से मांगोगे ना. मैंने तुमको दे दिया पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये अलाउएबल है कि डिसअलाउड है? ये नहीं, अलाउएबल है. कानून को थोड़ी उल्लंघन किया है, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है. कोई मैं इनकम टैक्स लॉ को वायलेट करता, सेल्स टैक्स लॉ को वायलेट करता, जीएसटी लॉ को वायलेट करता, कोई क्रिमिनल लॉ को वायलेट करता, उसके कारण मेरे अंदर मेरे पे फाइन पेनल्टी लगाया जाएगा, समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन तो चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हर आदमी करता है, हम गधा थोड़ी है. हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया 100 किलो चावल खरीदेंगे 50 रुपए में, 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, चावल का दाम गिर रहा है, मैं गधा हूं जो तुमसे 50 रुपए में खरीदूंगा? मैं बोलूंगा मेरे को नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, और तुमको लॉस हो रहा है तो तुम मेरे से पेनल्टी मांगेगा, तो आई एम पेइंग पेनल्टी फॉर दैट. मैं तुमको पेनल्टी पेमेंट करने के लिए तैयार हूं. अच्छा, ये हमारे बीच पहले ही तय हो चुका था पेनल्टी अमाउंट, सपोज 2 रुपया. मैंने तो उस समय 45 रुपया अगर रेट हो गया है तो तू मेरे से 5 रुपया मांगेगा, 5 × 100 ₹500 पेनल्टी मांगेगा. सपोज हम लोग के बीच में पहले ही तय हो गया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से 2 रुपया हम लोग एक्सचेंज करेंगे, तो 2 × 100, 200 रुपए मैंने तुमको पेनल्टी दिया. तो मेरा बिजनेस एक्टिविटी है, मैं तो समझदारी से खेल रहा हूं,
45 मार्केट में दूंगा, दो रुपया मैं तुमको दूंगा कॉम्पेंसेशन का, मेरे को तो 47 ही कॉस्टिंग आया, कहां 50 में खरीदा कहां 47 में माल आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इट्स अ नेचुरल थिंग, उसका पेनल्टी इज अलाउड। लेकिन लॉ कानून उसका पेनल्टी इज नॉट अलाउड। देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, हाउएवर पेनल्टी इन द नेचर ऑफ डैमेज फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग कॉम्पेंसेटरी इज अलाउएबल। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, मैंने बोला ना, जो इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं है उससे रिलेटेड इनकम भी पीजीपीपी में नहीं आएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ये सब बाद में देखेंगे। अब ये सब अलाउएबल है, मैंने बोला ना डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल अलाउएबल है, क्योंकि बुक्स वाला एडबैक कर दिया तो इनकम टैक्स रूल्स वाला लेस कर देंगे। ये दोनों मैं बाद में बताऊंगा। ये सब इस हेड में नहीं जाएगा, अदर हेड में इनकम क्रेडिटेड इन पीएल बट टैक्सेबल अंडर अदर हेड। या तो ये सब एग्जेम्प्टेड है या तो ये सब एग्जेम्प्टेड है एग्जेम्प्टेड मतलब टैक्सेबल ही नहीं है, या तो ये सब एग्जेम्प्टेड है तो वैसे ही टैक्सेबल नहीं है तो लेस करके हटाओ, या ये सब दूसरे हेड में टैक्सेबल है। जैसे डिविडेंड इनकम आईएफओएस में जाएगा, ये एग्जेम्प्टेड है इसलिए लेस कर दो हटा दो, ये सब IFOS है, कैपिटल एसेट बेचा है तो कैपिटल गेन में जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा रेंटल इनकम, है ना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये सब IFOS। अगर कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है तो वो इनकम टैक्स रिफंड ही, जब अलाउड इनकम टैक्स डिस अलाउड है ना तो उसका रिफंड भी टैक्सेबल नहीं होगा। राइट, सिंस इनकम टैक्स इज डिस अलाउड, इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, कई बार गवर्नमेंट लेट से रिफंड देती है। राइट, अच्छा, ये पूरा ही मैं बाद में बताऊंगा, अभी अभी छोड़ दो इसको। तो देखो ये हमारा बिजनेस इनकम आ गया ना, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन।
मतलब टैक्सेबल इनकम, बिजनेस इनकम, राइट। क्लियर। अब ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या होता है, पहले न्यू टैक्स रिजाइम का निकाल लो ऊपर से, जैसे निकाला ओल्ड टैक्स रिजाइम में कुछ कुछ खर्चा एक्स्ट्रा अलाउ होता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। जब मैं आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन समझाऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा तो ओल्ड टैक्स रिजाइम का फिगर आ जाएगा। ये दोनों ही एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्लॉज है। नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन है वो तो मिलेगा ही, प्लस एडिशनल मिलेगा। इज इट फाइन? क्लियर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। दीज आर अलाउएबल आइटम्स। तो अलाउएबल आइटम्स का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अलाउएबल आइटम्स का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तुम लोग को घर पे क्या करना मैं बताता हूं। ये जो चार्ट है ना मैं दूंगा, इसका प्रिंटआउट निकालना। ये पूरा तीन चार पन्ने का जो चार्ट है ना, इसको ऐसे लगा देना दीवार में। सारा लिस्ट ऑफ डिसअलाउड आइटम्स मैंने बता दिया, राइट। कौन कौन सा इनकम जो इस हेड में नहीं आएगा वो भी बता दिया, वो उसको पूरा दीवार में लगा दो। अब हम ये वाला पढ़ेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो उसमें सारा डिसअलाउड आइटम्स है ना, तो बाकी सारे आइटम्स जनरली अलाउएबल हो जाएंगे। तो जो आइटम्स अलाउएबल है वो प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए, और वो ऑलरेडी पीएल में है, मतलब माइनस किया हुआ है, इग्नोर। जो अलाउएबल है उसको इग्नोर कर देंगे। आपको ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या होगा बोलो,
रेंट होगा, सैलरी होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, सेल्स प्रमोशन होगा, ये सब अलाउएबल है। देखो इसका कोई ट्रीटमेंट किया क्या हम लोग यहां पे? अलाउएबल आइटम्स का कोई ट्रीटमेंट किया? उन अलाउएबल्स का किया जो पीएल में नहीं है। इसको अलग से लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि तो क्योंकि डेप्रिसिएशन बुक्स वाला एडबैक कर दिया, इनकम टैक्स बोलता मैं अपने हिसाब से निकलवाऊंगा, वो वाला अलाउ करेगा। क्या ये पीएल में है? पीएल में प्रोविजन था, एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ बैड डेट नहीं था। तो दीज टू आर अलाउएबल, वो भी अलाउएबल है लेकिन वो ऑलरेडी पीएल में है, लेस किया हुआ है। दीज आर नॉट देयर इन पीएल, दीज आइटम्स आर नॉट देयर इन पीएल अकाउंट, तो इसलिए इसको अलग से लेस किया ना, अलाउ किया। जो ऑलरेडी पीएल में है, अलाउएबल है, उसका कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इग्नोर। ठीक है? हाँ, डिसअलाउड इनएडमिसिबल डिडक्शन मतलब डिसअलाउड हो गया। एक्सपेंसेस ऑफ पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये भी डिसअलाउड हो गया है हाँ ना। क्लियर? दिस इज डीम्ड इनकम, डीम्ड बिजनेस इनकम। समझाऊंगा, जो लास्ट में मैंने एस्टिक मार्क दिलवाया था ना, सेक्शन 41। और ये अदर प्रोविजंस, अदर प्रोविजंस मतलब अदर प्रोविजंस का बोलने का मतलब है Do you require to maintain books of accounts? क्या आपको books, जैसे हम लोग टैली में accounts maintain करते हैं, क्या हम लोग को जरूरी है books of accounts properly maintain करना? वो सब बात करेंगे। अगर आपका turnover एक certain limit को cross करेगा तो आपको books of accounts बनाना जरूरी है, proper books of accounts, double entry bookkeeping, right? क्या आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से? अगर जैसे हमारा टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस करेगा, तो इफ आवर टर्नओवर क्रॉसेस 1 करोड़ देन वी आर सपोज टू गेट आवर अकाउंट्स ऑडिटेड। तो ये सब हम लोग अदर प्रोविजंस में बात करेंगे। कुछ कुछ केस में सरकार बोलती है आप अपना सेल्स का 8% प्रॉफिट दिखा दीजिए और उस पर टैक्स दे दीजिए, आपको बुक्स अकाउंट्स बनाने का दरकार नहीं है। उसको बोलते हम लोग प्रिजम्प्टिव स्कीम। छोटा छोटा रिटेलर लोग क्या करता है, जो लोग का 10% 12% 15% मार्जिन होता है, दिन का 10,000 रुपया उनका सेल है, महीना का 3 लाख, साल का 36 लाख रुपया सेल है, साल का 36 लाख का 15% करो कितना होता है, 5,40,000, मतलब महीना का 40-50 हजार रुपया कमाने वाला आदमी,
तो जो लोग महीना का 40-50 हजार रुपया कमाता है उन लोगों को तुम बोलेगा तुम अंकित पटवारी को रख के अकाउंट्स मेंटेन करवाओ, तो लोग बोलेगा महीने का जो मेरा कमाई है वो तो अंकित पटवारी ले जा रहा है। तो वो छोटा बिजनेसमैन लोग के लिए सरकार रिलीफ दी है, बोला कोई तुम खाली अपना सेल का हिसाब रखो, लेन देन का तो तुमको रखना ही पड़ेगा रफ में, नहीं तो तुमको कैसे मालूम तुमको कौन सा कस्टमर से कितना लेना है, कौन सा सप्लायर को कितना देना है, वो तुम अपना समझो। बट मेरे लिए तुम खाली हमको अपना सेल बताओ, उसका 8% नेट प्रॉफिट उस पर टैक्स दे दो, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स का दरकार नहीं है। तो ये सब चीज हम लोग अदर प्रोविजंस में देखेंगे। इज इट फाइन? हाँ, तो सिंपल फंडा है सर, हमने को पीएल दे देगा, राइट? हाँ, अपने को पीएल दे देगा और बोलेगा अपने को बिजनेस इनकम निकालो। अकाउंट्स वाला पीएल दे देगा, अपने को बोलेगा एज पर इनकम टैक्स क्या इनकम होना चाहिए, अपन को पूरा प्रोसेस मालूम है। अगर कोई दूसरा हेड का इनकम पीएल में है क्रेडिट साइड में तो उसको लेस करके हटाओ, दूसरे हेड का रिलेटेड एक्सपेंस है तो उसको एडबैक कर दो, पीजीबीपी का खर्चा डिसअलाउड है तो एडबैक कर दो, अलग से जो अलाउएबल है उसको लेस कर दो, यही तो है। राइट? इज इट ओके एवरीवन? चलिए आइए, तो एक छोटा सा हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, उसके पहले ना मैं तुमको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, उसको थोड़ा मैं और इसमें लिखवा देता हूँ, जैसे कुछ कुछ डिसअलाउड आइटम। अच्छा थोड़ा सा एक सेकंड रुको, इसको कराने से भी नहीं होगा, जो लिस्ट है ना वहां पे मैं कुछ कुछ थोड़ा सा और डिसअलाउड लिखवाता हूँ, जैसे सब डिसअलाउड है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ना, इनकम टैक्स के साथ वेल्थ टैक्स भी डिसअलाउ होता है, ठीक है? ओके, इनडायरेक्ट टैक्स इज अलाउड, तो प्रॉब्लम नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स अगर मेरा कोई पेमेंट हो रहा है, मेरे लिए खर्चा है, यूजुअली जो भी हम परचेस करते वक्त जीएसटी देते हैं उसका अपन को क्रेडिट मिल जाता है, तो वैसे ही पीएल में नहीं आने वाला। लेकिन कुछ कुछ केस में आप परचेस करते वक्त जब जीएसटी देते हैं तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, तो जब आपको क्रेडिट नहीं मिलता है तो यू कैन ट्रीट इट एज एक्सपेंस, दैट इज ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज अलाउड, राइट? समझ में आया? अच्छा, और एक बात मेरे को बताना है, सैलरी टू प्रोप्राइटर, मैं खुद को सैलरी दे रहा हूं वो डिसअलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओन्ड कैपिटल डिसअलाउड हो जाएगा, खुद को सैलरी खुद को इंटरेस्ट आप नहीं दे सकते। हालांकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को अगर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, पार्टनर को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो पार्टनरशिप फर्म उसको एक्सपेंस दिखा सकता है, प्रोप्राइटरशिप में नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू पार्टनर
अलाउड होता है. लेकिन प्रोप्राइटर वाला और डिसअलाउड होगा, सैलरी और इंटरेस्ट. पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप का खर्चा माना जाएगा, सैलरी टू पार्टनर पार्टनरशिप का खर्चा माना जाएगा. लेकिन सोल प्रोप्राइटर में यह चीज डिसअलाउड है. ठीक है, इज इट ओके एवरीवन? सो अभी हम लोग एक सम करने के लायक हो गए हैं, फिर आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है ना, एक को प्रॉब्लम करते हैं अपन. आइए क्वेश्चन 1 पढ़िए. हम लोग को नेट प्रॉफिट दे दिया है. इसी से शुरू करना है. पहले हम लोग ना एक बार नॉर्मली देखते हैं. ये अलाउड है? अलाउड मतलब इग्नोर है ना, अलाउड मतलब इग्नोर, क्योंकि ये ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में लेस किया हुआ है. ये भी अलाउड है, ये वाला डिसअलाउड मतलब एड वेल टैक्स भी. ठीक है, अलाउड ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है ये सब. ठीक है, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अलाउड होगा ना, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ब्रीच ऑफ लॉ होता तो हाँ. सैलरी टू प्रोप्राइटर, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, एलआईसी प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर, पर प्रोप्राइटर का एलआईसी प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस हो गया ना. डेप्रिसिएशन आईटी रूल वाला नीचे जो दिया वो अलग से लेस कर देंगे. वेरी गुड. बैड डेप्ट, बैड डेप्ट अलाउड होता है, प्रोविजन डिसअलाउड. अच्छा, ये बैड डेप्ट फिर अलग से नीचे लेस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये लेस किया हुआ है, दोनों चीज ही लेस किया हुआ है. प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, समझ गया मेरा बात. और आईटी रूल वाला लेस कर देंगे. अच्छा, पीएल में कोई भी ऐसा इनकम नहीं है जो जो दूसरे हेड का है. नो अदर हेड ऑफ इनकम. यहां पे दूसरे हेड ऑफ इनकम, दूसरा हेड ऑफ इनकम है ही नहीं, तो खाली डिसअलाउड का ही लिस्ट दिया हुआ है.
इज इट फाइन एवरी वन? एनी प्रॉब्लम? शैल वी स्टार्ट? Statement showing computation of business income. ये सब डिसअलाउड है, मतलब ये सब खर्चा पीएल में डेबिटेड है बट इनकम टैक्स बोलता है हमारे लिए खर्चा नहीं है, इन सब चीजों को मैं खर्चा नहीं मानूंगा। मैं भाई जो जो याद है मैं लिख लेता हूं, फिगर बाद में लिख लूंगा। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सैलरी टू प्रोप्राइटर था, इंटरेस्ट ऑन ओन्ड कैपिटल भी था, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स था, एलआईसी प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर था, ईएफजी प्रोविजन फॉर बैड डेट था, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी था। सबको लाइन से इनर कॉलम में लिखूंगा। और फिर अलग से मैं लेस करूंगा डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स।
ठीक है हाँ, चलिए फिगर देख लेता हूं क्विकली। 10,000, 5,000, अच्छा पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी था, अच्छा वो तो अलाउबल है, डिस अलाउड ही लेना है ना खाली। हाँ इनकम टैक्स टैक्स वेल्थ टैक्स 5, 20 और 5, ठीक है लिखता हूं पहले। इसका है 10, 5, 20, 5, LIC 6, डेप्रिसिएशन 30, डेप्रिसिएशन 6, डेप्रिसिएशन 30, LIC 6, ये हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट 9, ग्रेच्युटी 30, इसका टोटल बताओ। हाँ और आईटी रूल्स वाला 40 लेस कर दूंगा। कितना आ रहा है? 3,000, ये हमारा पीजीबीपी आ गया। ठीक है, इज इट फाइन एवरीवन? आइए, सो ये हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन करते हैं, नंबर टू। अलाउड सैलरी कुछ नहीं बोला तो सैलरी टू एम्प्लॉय होगा। अलाउड दोनों, डिसअलाउड ठीक है, पक तीनों अलाउड है।
डिसअलाउड आईटी रूल वाला लेस हो जाएगा. दिस इज अलाउड. एनी काइंड ऑफ प्रोविजन इज नाउ एक्सपेंडिचर ऑन दिवाली है तो क्या हुआ, बट ये अलाउड होता है. इनकम टैक्स इसको क्लैरिफाई कर दिया कि है ये पर्सनल एक्सपेंस पूजा, लेकिन दिवाली में जो खर्चा करेंगे आप उसको बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं. ये अलाउड होगा 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव ईयर्स. ठीक है, 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव ईयर्स. वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम सैलरी में पढ़ा ना था ना, वॉलंटरी कॉम्पेंसेशन जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो एम्प्लॉय के लिए वो इनकम हो गया. लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन एम्प्लॉयर का तो खर्चा है ना, उसको एम्प्लॉयर तोड़ तोड़ के 5 साल में खर्चा दिखाएगा. राइट हाँ, इतना पहले अलाउ करेंगे 20,000, फिर बाद में नीचे 1/5 अलाउ करेंगे. तो इफेक्टिवली 4/5 डिसअलाउ हो रहा है ना. हाँ इफेक्टिवली जो डिसअलाउ अलाउड वाला को, तो मतलब क्योंकि पीएल में है ना, या तो तुम पूरा पहले एड बैक करके फिर नीचे वापस से 1/5 अलाउ कर दो या 4/5 डिसअलाउ कर दो. हाँ ये नियम है, मैं बताऊंगा ना, यहाँ पे दिया हुआ है. मैंने बोला था ना बाद में कुछ मैं बाद में बताऊंगा. अच्छा पहले एक बार यहाँ पे लिख लो एक और चीज. जैसे यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा हुआ है, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन इज डिसअलाउड. पहले वो प्रोविजन वाला बात लिख लो. कहाँ लिखेगा वही मैं जगह देख रहा हूं, यहाँ कहीं पे भी लिख लो. Any kind of provision is disallowed. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट. Provision for gratuity. ठीक है, अब आइए ये देखिए. एक्सपेंडिचर वीआरएस 4/5 इज एडेड बैक डिसअलाउड. कोई भी खर्चा अगर मैं प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस का करता हूं, वीआरएस का करता हूं, तो 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव ईयर्स इज अलाउड. 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव ईयर इज अलाउड. बाकी सब डिसअलाउ हो जाएगा.
तो 1/5 इस साल अलाउ होगा, 1/5 इस साल अलाउ होगा, 4/5 आने वाला चार साल, तो 4/5 इस साल कितना डिसअलाउ हुआ, 4/5 ना, ठीक है। आइए जो फिगर दिया हुआ पीएल में, वीआरएस और प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस दो चीज में, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये दो खर्चा है जो 1/5 करके अलाउ होगा। क्योंकि प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस किसको बोलते हो आप लोग, जो कंपनी के स्टार्टिंग में बनता है, फॉर्मेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो उसको एक साल में दिखाने का लॉजिक हमको समझ, इसलिए तोड़ तोड़ के पांच साल में दिखाएंगे। वीआरएस का अमाउंट बड़ा होता है, इसलिए तोड़ तोड़ के पांच साल में दिखाएंगे। समझा? कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, पीजीबीपी निकाल रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसका नोट्स था, नोट्स तो पढ़ा ही नहीं हम लोग, नीचे नोट भी है। अच्छा, ये तो हो गया, इससे शुरू करेंगे नेट प्रॉफिट से, ये अलग से नीचे लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन वाला अलग से लेस होगा, परचेस में एक परचेस ऐसा है जिसका पैसा 1,00,000 रुपए कैश में दे दिया, 10,000 से ज्यादा है तो मतलब पूरा परचेस डिसअलाउ नहीं होगा। अरे ओनली 1,00,000, नहीं नहीं 10,000 लिमिट है खाली चेक करने के लिए, डिसअलाउ पूरा ही होगा। 34,00,000 का परचेस है ना, परचेस अलग अलग आदमी से किया होगा, तुमसे थोड़ा सा, तुमसे थोड़ा सा, तुमसे थोड़ा सा, ऐसे करके मैंने अलग अलग लोगों से परचेस किया है। है ना, कैशबुक मेंटेन किया होगा ना, तुम दिखा सकता है, तुम एडजस्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तुमको बुक्स उस हिसाब से सजाना पड़ेगा। तोड़ तोड़ के आदमी दिखाता है, आज थोड़ा सा दिया, कल थोड़ा सा दिया। तो इस पूरा परचेस डिसअलाउ नहीं होगा, 1,00,000 का परचेस कैश में किया वो 1,00,000 पूरा डिसअलाउ होगा। ओनली 1,00,000 इज डिसअलाउड, ठीक है। इसका सेक्शन एक बार देख लेते हैं, यहां पे इधर था ना अपना सेक्शन, एक्सेस पेमेंट का सेक्शन है 48(2) और इसका सेक्शन है कैश वाले का 48(3).
ठीक है, काफी सारा केसेस में आप 10,000 से ज्यादा कैश में दे सकते हैं, बैंक बंद है, कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आपने खरीदा है, वो सब मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से केसेस में अलाउड है कैश पेमेंट। कोई गवर्नमेंट का पेमेंट कर रहे हैं, आरबीआई को पेमेंट कर अलाउड है, क्योंकि वो सबको तो तुम अनअकाउंटेड कैश नहीं दे सकता ना। आरबीआई को जो तुम पेमेंट किया, तुम वही कैश देगा जो तुम्हारे बुक्स में अकाउंटेड है, ब्लैक मनी वाला कैश थोड़ी दे सकता है। क्लियर? आइए, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स 12 लाख दिया हुआ है। ठीक है, एड एक्सपेंसेस डिस अलाउड। ठीक है, इनकम टैक्स, वेल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, LIC प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर, PRS 4/5। अच्छा, और भी डिसअलाउड है? IJ डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A3, 40A3।
और तो कुछ नहीं है ना। तो यहां नीचे नोट भी देंगे, एक्सपेंडिचर ऑन दिवाली इज अलाउएबल एक्सपेंस। इसका फिगर तो हम लोग को मालूम है, 1 लाख है, वीआरएस का 16,000, ठीक है, आइए 4,000, 2,000, उन्नीस पांच सौ, 6,000, 2,000, डेप्रिसिएशन 12,000, पांच हजार, 2,000, ठीक है ना। वीआरएस अगर तुम यहां 20 करता तो नीचे 4,000 करना पड़ता। एडिशन 168,500 और 12 लाख है ये। (1,328,500) दिस इज पीजीबीपी। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इसमें काफी सर और अदर चीज सिखाना पड़ेगा, तो ये मैं आपको अगले दिन सिखा के फिर करवाऊंगा ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग एक बार ट्राई करके आइएगा, जस्ट जस्ट होगा नहीं मेरे को मालूम है, जस्ट होमवर्क ऐसे ही होमवर्क दे दिया, ठीक है, बाय बाय।